नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज जो आप ये औषधि देख रहे हो ना, ये इतनी जबरदस्त और बेहतरीन औषधि है। अगर आपने मेरे बताए अनुसार कुछ दिनों तक इसका सेवन कर लिया ना, आपकी बॉडी में इतने जबरदस्त इतने बेहतरीन फायदे देखने को मिलेंगे कि जो पुरुष लोग हैं उनके लिए तो यह एक रामबाण औषधि की तरह काम करती है। जो लोग बार बार थक जाते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, जिनकी बॉडी में हड्डियाँ कमजोर हो चुकी है, जिनको गठिया के दर्द की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, जोड़ों में दर्द प्रॉब्लम होती है या फिर जोड़ों में सूजन आ जाती है, साथ ही साथ जो लोग अनिद्रा से पीड़ित होते हैं, जिनका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिनको खाया पिया बिल्कुल भी नहीं लगता है, जो अपने वजन को घटाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है। बस आपको इसे लेने का सही तरीका पता होना चाहिए। दोस्तों कोई भी आयुर्वेदिक औषधि हो, अगर आप उसको सही तरीके से सेवन नहीं करते तो अपना इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं दिखा पाती, साथ ही उसके कई सारे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो की एक एक बात को ध्यान से सुने, साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आपको यह जानकारी जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सामने लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ जायफल खाने के बेमिसाल फायदों के बारे में, लेकिन आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आपको जायफल का सेवन कितनी मात्रा में, कब और किसके साथ में करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। जायफल के फायदों के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका सेवन किस तरीके से किया जाए यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, तभी यह आपकी बॉडी में सही तरीके से इफेक्ट कर पाएगा। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आप कौन कौन सी समस्याओं में या फिर आपको जायफल खाने से कौन कौन से रोगों से छुटकारा मिल सकता है। देखिए दोस्तों, जो लोग अनिद्रा से परेशान होते हैं, जिनको रात को अच्छे से नींद नहीं आ पाती, बार बार जग जाते हैं, परेशान होते हैं, देर रात तक सो नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए जायफल खाना बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। साथ ही साथ जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हो चुकी है, साथ ही साथ जिनकी हड्डियों में दर्द की प्रॉब्लम होती है, जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो हाथ पैर कमर का पीठ का दर्द क्यों ना हो, साथ ही साथ जिनके जोड़ों में सूजन की प्रॉब्लम हो जाती है, वो लोग भी इसका आसानी से सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जिन लोगों का खाया पिया पच नहीं पाता है, जिनका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है, जिनको कुछ भी खाया पिया लग नहीं पाता है और उनकी बॉडी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, तो वे लोग भी जायफल का आसानी से सेवन कर सकते हैं, ताकि जो उनकी बॉडी में जो वो खाएंगे वो उनको अच्छे से लग पाएगा और जो उनकी सेहत है वो भी बहुत ही अच्छे से दिखने लगेगी। दोस्तों इसके साथ में जायफल का वे सभी पुरुष लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो अपनी काम शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग अब बिस्तर पर ज्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, जो लोग अब तक नपुंसकता के शिकार थे, यानी कि जो लोग अपनी बीवी के सामने घुटने टेक देते थे, ज्यादा देर तक बिस्तर पर टिक नहीं पाते थे, ऐसे लोग भी जायफल का आसानी से सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आपको किस तरीके से और किसके साथ में और कब जायफल का सेवन करना होगा। दोस्तों आपको सबसे पहले बता दूं कि जायफल का सेवन आपको पानी के साथ नहीं बल्कि दूध के साथ में करना है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप शाम को खाना खा लो, खाना खाने के बाद में लगभग आपको एक घंटे के बाद में या फिर जब आप सोने जाओ उससे 15 से 20 मिनट पहले एक गिलास आपको दूध का लेना है, और आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आधा चम्मच से ज्यादा आपको जायफल का चूर्ण नहीं लेना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी भी पंसारी की दुकान से ऐसे जो सुपारी के रूप में मोटे मोटे से जायफल के टुकड़े आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गोल गोल से, ऐसे आप पंसारी की दुकान से ले आइए और फिर उन्हें पत्थर के हमाम दस्ते में, जो कि माता बहने मसाला कूटती है, उस वाले पत्थर के हमाम दस्ते में डाल करके आपको इन्हें अच्छे से कूट कूट करके चूरन बना लेना है, और फिर आप इसे स्टोर करके रख दें। अब रात को रोजाना आपको एक गिलास दूध में ये आधा चम्मच, आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आधा चम्मच ही जायफल चूरन का आपको दूध में डाल करके मिक्स कर लेना है, और फिर आपको इसका सेवन रोजाना रात को सोते समय करना है। दोस्तों अगर आप ऐसा लगातार कुछ दिनों तक करते हैं तो आपकी बॉडी में इतने जबरदस्त इतने बेहतरीन फायदे कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे फायदे आपको होंगे। जो लोग थोड़ा सा भी काम नहीं कर पाते, जल्दी से थक जाते हैं, बार बार कमजोरी महसूस करते हैं, शारीरिक दुर्बलता को महसूस करते हैं, और जो पुरुष लोग कई प्रकार की यौन समस्याओं से पीड़ित होते हैं, गुप्त रोगों से पीड़ित होते हैं, ऐसे लोग रात को सोते समय इस जायफल का जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।